बिग बॉस 13 का सेकेंड नॉमिनेशन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया था, जिसमें इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए चार फीमेल कंटेस्टेंट्स रश्मि देसाई, शहनाज गिल, कोयना मित्रा और दलजीत कौर नॉमिनेट हो गई। लेकिन फैंस के बीच इस बात को लेकर काफी बज है कि इस हफ्ते इन चारों में से कौन सी एक्ट्रेस शो से एलिमिनेट होगी। तो आइए आपको इस सवाल का जवाब हम देते हैं। दरअसल इस वीक शो की चारों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स ही नॉमिनेशन में है, लेकिन जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है वो है कोयना मित्रा और दलजीत कौर। और वो कैसे, इसके संकेत हमें सोशल मीडिया पर ही मिले। जी हाँ, अगर चारों नॉमिनेटेड सदस्य में से सबसे पहले पंजाबी कैटरीना कैफ, शहनाज गिल की बात करें तो उनके एलिमिनेट होने के बिल्कुल भी चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि घर में शहनाज ही वो लड़की है जिनको डे वन से काफी फुटेज मिला है। ऐसा लगता है कि बिग बॉस के कैमरे उनकी हर एक्शन को फॉलो करते हैं। साथ ही पारस छावरा से बढ़ती नजदीकियों से शहनाज काफी लाइमलाइट में बनी हुई, हर तरफ पारस और शहनाज के रिलेशनशिप की ही चर्चाएं हो रही। साथ ही पारस और शहनाज शो के फर्स्ट कपल बनते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिग बॉस की टीआरपी को काफी फायदा मिल रहा है। अपने चुलबुलेपन और क्यूटनेस की वजह से भी शहनाज लोगों के दिलों को काफी पसंद आ रही, और इन्हीं अदाओं की वजह से शहनाज फैंस की फेवरेट बन चुकी है। यानी कुल मिलाकर शहनाज को मिल रहे इस प्यार से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इस बार घर से बेघर नहीं होंगी। तो वही दूसरी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स जिसके घर से जाने के कम चांसेस नजर आ रहे हैं वो है टीवी की तपस्या यानी कि रश्मि देसाई। रश्मि टीवी का काफी बड़ा चेहरा है और उनकी फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। साथ ही उनके BFF सिद्धार्थ शुक्ला संग उनकी बढ़ती कनेक्शन भी फैंस को काफी पसंद आ रही। हाँ, फिलहाल तो सिद्धार्थ और रश्मि में तीखी नोकझोंक हो रही है। साथ ही सिद्धार्थ ने ही रश्मि को नॉमिनेट किया था, लेकिन ये बात सभी जानते हैं। साथ ही रश्मि ने खुद भी बोला है कि घर में सिद्धार्थ उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, और रिपोर्ट्स की माने तो रश्मि और सिद्धार्थ कभी एक साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। ऐसे में आगे चलकर यकीनन इन दोनों के बीच भी कनेक्शन जरूर नजर आएगा, जिसका फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ऐसे में रश्मि के बेघर होने के सोशल मीडिया पर बहुत कम संकेत मिले हैं। अब बात करें बची दो कंटेस्टेंट्स कोयना मित्रा और दलजीत कौर के बारे में, तो दोनों के बीच में जाने के चांसेस 19-20 लग रहे हैं। शहनाज और रश्मि के कंपैरिजन कोयना और दलजीत को कम वोट्स मिलने की बात सोशल मीडिया पर हो रही है। एक तरफ जहां कोयना मित्रा जिस तरह काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पॉइंट्स घर में रखती नजर आ रही हैं, वो फैंस को काफी अच्छी लग रही, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोयना अच्छी तरह से घर में खुल नहीं पाई, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि कोयना बॉटम टू में हो सकती है। तो वही दलजीत कौर की बात करें तो दलजीत घर में ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। सिद्धार्थ से अपने बेटे के बारे में कुछ सुनकर दलजीत ने जिस तरह स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया था उससे उनके फैंस काफी खुश नजर आए थे, और दलजीत का अलग साइड देखने को मिला। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सीजन काफी टेढ़ा है और हर कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है, ऐसे में दलजीत थोड़ा स्लो खेल रही है। और ऑडियंस के मुताबिक दलजीत बॉटम टू में कोयना के साथ हो सकती है, लेकिन कोयना की फैन फॉलोइंग और अब तक के सफर से ऐसा लग रहा है कि दलजीत इस हफ्ते घर से बेघर हो सकती है। फिलहाल तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इस हफ्ते रश्मि, कोयना मित्रा, शहनाज और दलजीत में से कौन सी कंटेस्टेंट्स घर से बेघर हो सकती हैं।